बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आफ्ताब जलानी हाजिर खिदमत है यूट्यूब चैनल दिसान खुशी का सूरज की तरफ से। दोस्तों, आज हम बेनज़ीर सीड कॉरपोरेशन के रिसर्च एंड प्रोडक्शन फार्म पर खड़े हैं। बेनज़ीर सीड कॉरपोरेशन आरवाला एक ऐसी कंपनी है जिसने ज़िम्मेदारों को हर दफ़ा इंतहाई मियारी और जदीद वैरायटियों का सीड मुतारफ़ करवाया है और ज़िम्मेदारों को ये मियारी और जदीद तरीन अच्छी क्वालिटी वाला और आला पैदावार वाले जो वैरायटीज़ हैं वो उसका बीज ज़िम्मेदारों को मुहैया किया है। आज हम ये जो फार्म है ये बेनज़ीर सीड कॉरपोरेशन का रिसर्च एंड प्रोडक्शन फार्म है। इस फार्म पर राइस की एक जदीद वैरायटी लगी हुई है और ये ऐसी वैरायटी है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये वैरायटी धान के काश्तकारों का एक ख्वाब है और वो ख्वाब अब पूरा हो चला है और इस ख्वाब को पूरा करने में बेनज़ीर सीड कॉरपोरेशन की बहुत बड़ी कावश है। ये वैरायटी जो जदीद वैरायटी है जिसमें आप इस वक्त मैं खड़ा हूँ आपके सामने ये नज़र आ रही है, ये 1509 का एडवांस वर्जन 1692 उससे भी एडवांस वर्जन PB 1847 का फील्ड है और ये वैरायटी आप देख रहे हैं जिस फील्ड में इस वक्त खड़े हैं, ये वैरायटी बहुत ज़बरदस्त खसूसियात की हामल वैरायटी है और आप इसको देखें अच्छी तरह। ये मैं आपको ये इसका जो फील है ये दिखा रहा हूँ। इस वक्त ये तकरीबन 70 दिन की वैरायटी है। इस वक्त ये आपको जो नज़र आ रही है 70 दिन की वैरायटी है और ये 20 से 25 दिन में मुकम्मल पाकर तैयार हो जाएगी और ये टोटल अपनी जो उम्र है इसकी 90 से 95 दिन में ये वैरायटी अपनी उम्र पूरी करके बेहतरीन पैदावार देगी। ये मुकम्मल तौर पर निसर चुकी है, आप इसके देख सकते हैं सिट्टे इसके सारे बाहर आ चुके हैं और इसका आप सिट्टा देखें माशाल्लाह, इसका जो व्यू है सिट्टों का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त व्यू किसी और वैरायटी में नज़र नहीं आता। इसकी जो खसूसियात हैं इस वैरायटी की सबसे बड़ी तो खसूसियात है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन है कि ये 90-95 दिन में ज़िम्मेदार को ये अपनी पूरी पैदावार दे देती है। दूसरी इसकी खसूसियात ये बहुत ही ज़्यादा पैदावार की हामल वैरायटी है। ये वैरायटी के जो है इसका पोटेंशियल 90 मन से भी ज़्यादा है और आम ज़िम्मेदार इससे 75 से 80 मन पैदावार ले सकता है। अगर इस वैरायटी का 75 से 80 मन पैदावार आ जाए तो ज़िम्मेदारों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। दूसरी इसकी बहुत बड़ी खसूसियत ये है कि इस वैरायटी का जो पत्ता है मेन पत्ता आप देखें ये फ्लैग लीफ बहुत चौड़ा है, मात्र कोई भी पत्ता देखें बहुत चौड़ा पत्ता है और इस चौड़े पत्ते होने की वजह से इसका जो ज़ियाई तलीफ का अमल है वो बहुत ज़्यादा होता है और जल्दी होता है जिसकी वजह से इसकी पैदावार में इजाफा होता है। दूसरा इसका एक और भी बड़ा बेनिफिट है, इसका जो सिट्टा है सिट्टा माशाल्लाह इसका बहुत लंबा है, आप इसका सिट्टा देख लें ये तकरीबन 1 फुट से भी ज़्यादा लंबा है और इतने ज़्यादा लंबा सिट्टे वाली का जो फ़ायदा है वो ये होगा कि इसकी पैदावार माशाल्लाह सब बाकी तमाम वैरायटियों से ज़्यादा है। फिर इसका और बड़ी खसूसियत है कि ये पौधा ये गिरता नहीं है, इसका देखें इस पौधे का मुड़ देखें माशाल्लाह, ये इसके आप देख लें इसके टिलर इसके सारे ये देखें, ये इसकी नालियाँ जो हैं बहुत मजबूत हैं और ये दान इस मजबूती की वजह से ये फसल नहीं गिरती। जब ये पक कर तैयार हो जाएगी तो ये फसल नहीं गिरेगी। एक और बड़ी खसूसियत है ये कि इसके जो सिट्टे हैं ये बीच में से निकलते हैं, ऊपर नहीं निकलते। आप देखिए इसके जो पत्तों ने साया किया हुआ है, इस साये की वजह से आप ये देख रहे हैं कि पत्ते ऊपर हैं और ये सिट्टे इसके पौधे के अंदर हैं। इसकी इस खसूसियत की वजह से ये गर्मी भी बर्दाश्त करती है ये वैरायटी, तो ये गर्मी बर्दाश्त करने की वजह से इसकी पैदावार में जो गर्मी का इम्पैक्ट आता है वो बहुत कम आएगा और इसके साथ साथ ये ऐसी वैरायटी है जिसमें बीमारी का कोई हमला नहीं होता, इस पर कोई बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक नहीं आया और इस पर कोई ब्लास्ट का अटैक नहीं आता। ये वैरायटी ब्लाइट और ब्लास्ट दोनों बीमारियों से पाक वैरायटी है और इस वैरायटी का इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल के साथ मैं तमाम ज़िम्मेदारों से जो ज़िम्मेदार भाई चावल काश करते हैं धान काश करते हैं ये सिफारिश करूंगा कि आप अगले सालों में इस वैरायटी को अपने जो है प्लान है पैदावारी प्लान में लेकर आएं और इस वैरायटी को काश करें, 80 से 90 मंथ तक पैदावार हासिल करें और ढेरों ढेर प्रॉफिट हासिल करें। और ये वैरायटी
ऐसी है कि इसमें आप साल में 3 फसलें लगा सकते हैं कि आप गंदम लगा रहे हैं तो उसके बाद कोई आप कोर्स वरायटी लगा लें, उसके बाद ये वरायटी लगाएं तो साल में 3 फसलें बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। अब मैं जो बेनजीर सीड कॉरपोरेशन के MD हैं जनाब चौधरी अब्दुल्ला अफजल साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और आप अपने ख्याल का इजहार करें इस वरायटी के बारे में। आप दोस्तों जनाब चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला अफजल साहब, आपने इस वरायटी को कैसा पाया और आपके क्या ख्याल आता है इस वरायटी के बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वरायटी 1847 बहुत ही कमाल की वरायटी है। इसके अंदर फंजीसाइड बीमारियों के खिलाफ जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इसका हम पहले प्रीवियस जो वरायटियाँ देखें 1692 या 1509 तो वो भी ठीक वरायटियाँ अच्छी हैं, लेकिन 1692 में लोगों ने बहुत ज़्यादा यानी कि मिली भगत की, ज़िमींदारों को बहुत लूटा, ठीक है। उसके अंदर 1509 और 1692 के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दिनों का ही डिफरेंस है, कुछ दाने का है हल्का फुल्का। लेकिन अगर आप इस वरायटी को गौर करें इसके अंदर अब 2 नंबरी नहीं हो सकती। ज़िमींदार को इसकी निशानियाँ पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसका फ्लैग लीफ बहुत ज़्यादा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। इसके दाने जो मुंजर है वो दूसरे से लंबी है। मुंजर के अलावा ये सीड जो है ज़िमींदार को अवेलेबल होगा, बहुत जल्द अवेलेबल होगा और बहुत प्योर होगा। लेकिन अब ये ज़िमींदार भाइयों से इल्तमास है कि 2 नंबर हज़रात से आप बचें। आपने खुद ही डिसाइड करना है कि आपकी फ़सल कैसी होनी चाहिए। बाद में बीज को बुरा कहने की बजाय आप अच्छे घर का इंतखाब कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत मेहरबानी जनाब चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला अफजल साहब, और तमाम दोस्तों से अब अपील है, ये सिफारिश की जाती है कि आप दोस्त इस वरायटी PB 1847 को कास्ट करें और अपने मुनाफे को बढ़ाएं और अपने मुनाफे को बढ़ाकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को अच्छे तरीके से पूरा करें। अब शेप ये आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वरायटी का ओवरव्यू जो है सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें और अपने जो पैदावारी प्लान में आप शामिल करें इस वरायटी को। यहाँ से आप देखें ये वरायटी का जो इसके जो सिट्टे बाहर निकले हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त व्यू है ये। और अब तक इतना ही, अगली वीडियो तक आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगा सुनारे के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।